दोस्तों, आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाले 1 से 6 साल के बच्चों के मध्याह्न भोजन का पैसा या फिर गर्भवती महिलाओं का पैसा के लिए जितने लोग भी ऑनलाइन आवेदन किए थे, उन लोगों का पैसा आना चालू हो गया है। लेकिन बहुत से लोगों का आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। वे लोग अपने आवेदन को दोबारा से सुधार करके और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि जितने भी लोगों का आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है, वे लोग सुधार कैसे करेंगे। इसके लिए वीडियो को कंप्लीट अंत तक देखिए। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाले पैसों के लिए आवेदन किया है ऑनलाइन और आपका पैसा नहीं आया है, तो फिर से आपको इस वेबसाइट पर आनी होगी। देखिए, इस वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर गूगल में आप medhasoft.bih.nic.in सर्च करके आ सकते हैं इस वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद देखिए, आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है। कोरोना वायरस को संक्रमण को देखते हुए आंगनबाड़ी के माध्यम से ऑनलाइन निबंधन के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप फिर से इसी पेज पर आएंगे और यहाँ से क्लिक कर देना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको जो है सो यहाँ पर देखिए, पहले तो आपको देखना है कि आपका आवेदन रिजेक्ट किया गया है या नहीं। उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए PFMS रिजेक्टेड अकाउंट लिस्ट को यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना रिजेक्ट आवेदन को देख लेना है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को चूज करने के बाद यहाँ से आपने प्रखंड को चूज करना है। प्रखंड के चूज करने के बाद यहाँ से पंचायत को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से वार्ड नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। वार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन यदि रिजेक्ट किया गया है तो इस लिस्ट में आपका नाम शो कर दिया जाएगा। तो अगर इस लिस्ट में आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ है तो देखिए यहाँ पर रिजेक्ट का कारण क्या है। यहाँ पर रिजेक्ट का कारण बता देगा कि रिजेक्टेड बाई बैंक अकाउंट स्टेटस इन क्लोज। आपके आवेदन को किस कारण से रिजेक्ट किया गया है यहाँ पे शो कर देगा, रिजेक्टेड बाई बैंक अकाउंट स्टेटस इन क्लोज, रिजेक्टेड बाई बैंक एज बैंक अकाउंट नंबर इज इनवैलिड। जो भी इसका रीजन होगा, कारण होगा, आपको यहाँ से देख लेना है। देखने के बाद आपको रिजेक्टेड लिस्ट में कारण जानने के बाद आपको यहाँ बैक आना है। बैक आने के बाद देखिए, जैसे आप आवेदन करने के समय लॉगिन किए थे, उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर देना है। देखिए यहाँ पर पहले से रजिस्टर्ड यूजर आईडी लॉगिन के लिए यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन करना है। अपने आधार नंबर को यहाँ डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, 4 अंक का पासवर्ड। जब आप ऑनलाइन आवेदन किए थे उस समय जो पासवर्ड आया था आपके मोबाइल नंबर पर, उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करके, ये वाला कैप्चा को यहाँ पे फिल करके यहाँ से लॉगिन करना है। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और 4 अंक का पासवर्ड डाल करके कैप्चा फिल करके यहाँ से लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपने जो फॉर्म भरा था, उस वह फॉर्म आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स शो कर जाएंगे। यहाँ पे आपके फॉर्म का सारा डिटेल्स रहेगा। आपको वहाँ से जो रीजन आपने पता किया है कि आपका अकाउंट इनवैलिड के कारण से, या अकाउंट जो है सो आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उस कारण से जो है सो रीजन क्या था रिजेक्ट होने का, उसको वहाँ पर देख लेना है। अगर आपका अकाउंट नंबर इनवैलिड है तो आपको यहाँ से अकाउंट नंबर को अपना फिर से चेंज कर लेना है। इसे इस वाले कोष्टक में आकर के अपने अकाउंट नंबर को चेंज कर देना है। फिर से दोबारा से यहाँ अकाउंट नंबर को डाल देना है। डालने के बाद जो है सो आपको इसमें देख लेना है कि आपका किस कारण से आवेदन को रिजेक्ट किया गया है। रिजेक्ट कारण जानने के बाद इसको यहाँ पर आप सुधार करके और फिर यहाँ से लाभार्थी विवरण को सुरक्षित कर देना है। जैसे ही आपको आप इस पर सुरक्षित करेंगे, फिर आपका आवेदन सफलतापूर्वक फिर से अपलोड कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।